फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2 AM चैनल पे। जैसे कि कल यहाँ पे आंसर की आ चुकी थी SSC MTS की, आज बात करेंगे आफ्टर आंसर की के बाद शिफ्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानेंगे, रैंक कैलकुलेट में कितने बच्चों कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि उसमें नॉर्मल स्कोर बताया जा रहा है बच्चे रैंक ढाल के। तो इस वीडियो में बताएंगे कि 100 से ऊपर कितने नंबर है, 120 से ऊपर कितने नंबर है, 90+ कितने स्टूडेंट कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आपके शिफ्ट में कितना एवरेज नॉमिनेशन हो सकता है हार्ड और ईजी शिफ्ट में। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी, जहाँ 12,523 वैकेंसी लास्ट ईयर थी उसको हटा के वैकेंसी जो कर दी गई 1,558 वैकेंसीज है। ओनली फॉर 26 लाख फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किए गए। अटेंडेंस की RTA लगा चुके हैं, यहाँ पे जो अटेंडेंस करीबन 60% करीबन यहाँ पे अटेंडेंस रहने वाली है। 16 लाख के समथिंग अटेंडेंस है। पर सीट कॉम्पिटिशन अगर जानेंगे तो 1,000 पर स्टूडेंट का कॉम्पिटिशन देखने वाला है। इस बार कॉम्पिटिशन ज्यादा है, जहाँ पहले कॉम्पिटिशन 600 कंपटीशन था पिछले साल, लेकिन इस साल जो कंपटीशन है वो 1,000 पर स्टूडेंट पे रह सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जाम लेवल शीट वाइज। बात करें जीके और इंग्लिश के पेपर की, बात करूं जीके और इंग्लिश पेपर जो गया है वो मॉडरेट गया है। किसी किसी शिफ्ट में जो जीके का पेपर अच्छा देखने को मिला है, किसी की शिफ्ट में जीके का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट से हार्ड भी देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन अधिकतर बच्चों ने जीके इंग्लिश को अच्छा किया है यहाँ पे, जिसके उसके मार्क्स जो है कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो डेटा लेके आया हूँ, उस डेटा के लेकर एक बार चर्चा करते हैं। ठीक है जी हाँ, ये 20,000 प्लस कैंडिडेट के डेटा है, इससे भी ज्यादा कैंडिडेट डेटा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी रैंक है वो डेटा भी कुछ समय बाद यहाँ पे आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का एनालिसिस भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को देखें, यहाँ पे कंप्लीट देखें, 125 प्लस अब हमारे 125 से ऊपर वाले 152 स्टूडेंट के डेटा कलेक्ट किए गए हैं। जी हाँ, 125 अभाव मतलब इससे ज्यादा डेटा नहीं है। 120 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट के जो है 421 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 120 प्लस देखने को मिल रहा है, मतलब 120 से 125 तक के डेटा रहेगा, वो 125 से लेकर 130 के बीच 135 के भी डेटा 152 पर स्टूडेंट का है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। 115 से लेकर 120 के बीच 878 कैंडिडेट स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं। 110 से 115 के बीच अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो कैंडिडेट के जो डेटा है वो 4 रैंक में पहुंच गए हैं, 1620 कैंडिडेट हो चुके हैं। 105 प्लस आप देख सकते हैं 6200 कैंडिडेट यहाँ पे आ चुके हैं। 100 प्लस 7520, 90 प्लस 3000। अभी ये 3000 आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि 90 प्लस का जो डेटा है वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं बाकी और की तुलना में। बाकी जैसे और डेटा आएंगे मैं आपको बताऊंगा 90 प्लस के, लेकिन ये जो मार्क्स 90 प्लस पे काफी स्टूडेंट है 100 प्लस में 105 प्लस और 110 प्लस, मतलब अधिकतर जो स्टूडेंट के मार्क्स है तो 10, 105, 100 और 90 इसके बीच है। बाकी बच्चे डिपेंड करें नॉमिनेशन में, क्योंकि नॉमिनेशन आपका होगा, नॉमिनेशन कितने नंबर का होगा उसके बारे में बात करता हूँ। चलिए यहाँ देखते हैं। ठीक है, SSC MT 2023-24 में अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड 3 आवर्स अगो वोट किया गया था 5.9 के, आप ये समथिंग देख रहे हैं। अधिकतर स्टूडेंट के जो मार्क्स है यहाँ पे 120 से लेकर 130 के बीच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 44% उन्होंने कहना है उनके मार्क्स 120 से 130 के बीच आ रहे हैं, हालांकि वो कह भी सकते हैं नॉमिनेशन मार्क्स बता रहे हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा स्कोर ही पूछ रहा था 120 से 130 के बीच, काफी कम स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 120 से 130 आ रहे हैं, बल्कि ये कह सकते हैं नॉमिनेशन में इतने मार्क्स उनके बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। SSC MT 2023 UP बिहार हरियाणा राजस्थान में अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि इनकी कट ऑफ तो पता हाई राज्य वाले कट ऑफ है, 3.8 के वोट है, 26% उन्होंने कहना है 100 से लेकर 110 के बीच। तो वास्तव में सच्चे यही है कि 100 से लेकर 110 के बीच काफी सारे स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं, चाहे हाई स्टेट हो, चाहे मीडियम स्टेट, चाहे नॉर्मल स्टेट हो। ठीक है, कट ऑफ कहीं ना कहीं इसके अराउंड रह सकता है, कितना रहेगा चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पहले देखो आफ्टर आंसर की के बाद जो हमारी टीम ने पता लगा, आफ्टर आंसर की के बाद जो स्टूडेंट बेस का शिफ्ट वाइज जो कट ऑफ है, जो इसमें आप देखो जीके और इंग्लिश में जो एक जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है, जो पेपर अच्छा करके आया, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो 15 से 17 क्वेश्चन जीके में राइट करके आया। जी हाँ, 15 से 17 क्वेश्चन जीके में राइट करके आया है एक एवरेज स्टूडेंट, और इंग्लिश में 15 से 16 क्वेश्चन राइट करके आया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये एवरेज स्टूडेंट का डेटा है जो कहीं ना कहीं इस पे आ रहा है। और एक UR कैटेगरी का जो डेटा है, एवरेज राइट क्वेश्चन UR कैटेगरी में 32 से 35। जी हाँ, एक एवरेज राइट क्वेश्चन है 32 से 35 UR कैटेगरी में, ये आप देख रहे हो, बिल्कुल सही डाटा आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट इससे ही बिलोंग कर रहे हैं, इस डेटा से ही बिलोंग कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कट ऑफ क्या रहेगा, प्रीवियस जैसे 2021 का कट ऑफ आपको पता है बिहार यूपी राजस्थान इनका कट ऑफ गया था। अगर आप हवलदार का कट ऑफ देखेंगे 2022 में हवलदार कट ऑफ गया था 131-132 प्लस गया था यहाँ पे, वहां पे भी नॉमिनेशन के साथ कट ऑफ गया था, नॉमिनेशन हुआ था। अब नॉमिनेशन कितना होगा मैं आपको बताता हूँ, नॉमिनेशन में अगर आप मान के चलिए जो हाई स्टडी कट ऑफ है जैसे बिहार यूपी दिल्ली राजस्थान, ठीक है, अगर आपका शिफ्ट हार्ड था यहाँ पे तो इनकी जो कट ऑफ हरियाणा जैसे, तो यहाँ पे जो कट ऑफ होते हाई स्टडी कट ऑफ पहले बता रहा हूँ, उसके बाद नॉर्मल स्टडी के बाद मैं यहाँ पे
लो स्टडी कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाई स्टडी कट ऑफ है, रॉ स्कोर बता रहा हूँ 115, रॉ स्कोर, जी हाँ रॉ स्कोर 115, मतलब है कि अगर आपके मार्क्स कहीं ना कहीं यूआर कैटेगरी में 110 भी अगर आ जाएंगे, सपोज आपकी यूआर कैटेगरी में 110 मार्क्स आ रहे हैं हाई स्टेट में, ठीक है, आपको निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो कट ऑफ बनाया 115, रॉ स्कोर इसके साथ बनाई जिसकी शिफ्ट यहाँ पे मॉडरेट थी, जिसकी शिफ्ट ज्यादा हार्ड भी नहीं थी, ज्यादा इजी नहीं थी, वो शिफ्ट मॉडरेट थी, उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाई है। अगर आपकी शिफ्ट ज्यादा ही हार्ड थी, आपके रॉ स्कोर मान के चलिए 100 आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए 26 नंबर से लेकर आप मान के चलिए 25 नंबर का नॉमिनेशन आप मान के चलिए, 26 से या 25 नंबर नॉमिनेशन आप मान के चलिए, आपके नॉमिनेशन बढ़ेंगे, ये नॉमिनेशन बढ़ेंगे। लास्ट हवलदार का भी अगर आप देखेंगे तो यही आपका फंडा रहा था कि 20 से 25 नंबर नॉमिनेशन में बढ़े थे, इस बार ही आपके ये 20 से 25 नंबर आपके नॉमिनेशन में बढ़ेंगे, तो आपकी कट ऑफ जो है रॉय स्कोर अगर आपके 100 नंबर भी आ गए तो 120-125 चलेंगे, और जिसका मॉडरेट बता रहा उसमें अगर आपका 10 नंबर का भी नॉमिनेशन होगा तो वो 125 पे चल जाएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है आप इसको ध्यान रखिए, इस चीज कट ऑफ जो है रॉय स्कोर पर आधारित मॉडरेट शिफ्ट के आधार बनाई गई, ठीक है। नॉर्मल स्टडी कट ऑफ जो बताए रॉय स्कोर में तो वो है 105 प्लस 97 ओबीसी 92 ईडब्ल्यू एससी पीछे 70, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है रॉय स्कोर बनाई गई है, अगर इसमें नॉर्मल हार्ड शिफ्ट रहता है तो 20 प्लस नॉमिनेशन आप मान के चलिए, नॉमिनेशन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे लो स्टडी कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं आपको पता है इससे भी नहीं जाने वाली रॉय स्कोर कट ऑफ, कहीं ना कहीं आप मान चलिए कि 80 पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, लो स्टेट में। तो ये चीज है जो ध्यान रखिए इस चीज को।